हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर वर्क एनर्जी पावर इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का हो चुका है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन लोगों का नाम फटाफट बोल देता हूँ जिन लोगों ने मुझे होमवर्क सेंड किया है। कुमार ऋतिक स्टडिंग इन रांची, दिव्या सांगा फ्रॉम रांची एंड आयुष जैन फ्रॉम रांची। Thank you, three of you, for sending me the homework and keep it up. Good. Now, moving on today's topic straight. Work done by force of gravity. क्या हम पढ़ने वाले हैं? ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। आज हम पढ़ने वाले हैं work done by force of gravity, यानी gravity के द्वारा। Gravity क्या है? Force है। यानी gravitational force के द्वारा कितना work done होता है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद करो बेसिक इक्वेशन जो मैं बताया था तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में। वर्क डन का बेसिक इक्वेशन क्या बताया था? W इक्वल्स टू, देखो अभी तक याद हो जाना चाहिए, आई टोल्ड दैट दिस फॉर्मूला शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। W इक्वल्स टू, हाँ बहुत लोग तो बोल रहे हैं ऑलरेडी, एफ एस कॉस थीटा। करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एस क्या है? फोर्स है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है बॉडी में। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है? वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इमेजिन करो कि कोई बॉल है, जमीन पर गिर रहा है। ठीक है, दिस इज द जमीन, दिस इज द लैंड। तो एक बॉल है जो जमीन पर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये जो हाइट है, जितना डिस्टेंस वो कवर किया, वो हाइट है h, यानी h हाइट, वो h हाइट से इसको गिराया गया है। तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी में होगा? h डिस्प्लेसमेंट होगा, h इज द h मीटर्स या जो भी यूनिट है, h सेंटीमीटर, h मीटर्स, वॉट एवर इट इज, दैट h इज द हाइट ऑफ द बॉल, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल व्हेन इट फॉल्स डाउन इज h। ठीक है, ये पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, यानी s का वैल्यू क्या है? h हो गया। अब देखो ये जो केस है यहां पे, इस केस को इमेजिन करो। इस केस में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के तरफ लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रहा है? नीचे के तरफ, क्योंकि बॉल नीचे के तरफ गिरा है। यानी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों ही नीचे के तरफ है, यानी दोनों सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा हमारा क्या होगा? थीटा का वैल्यू, करेक्ट, याद है तुम लोगों को प्रीवियस लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में बताया था, थीटा का वैल्यू जीरो होता है जिस केस में एफ और एस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। उस केस में फोर्स और डायरेक्शन के बीच में तो कोई एंगल ही नहीं बनता, यानी थीटा हमारा जीरो होता है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? कॉस थीटा, यानी कॉस जीरो, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? जीरो। तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? वन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा वन, और यहां बच क्या गया? एफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन क्या हो गया? एफ इंटू एच इंटू वन। ठीक है, तो वन को तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं क्योंकि समथिंग इंटू वन इज द सेम वैल्यू। तो चलो भैया, हमने इरेजर लिया, इस वन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा? W इक्वल्स टू एफ इंटू एच, ये हम डिराइव कर रहे हैं इक्वेशन को। तो एफ, W इक्वल्स टू एफ इंटू एच, ये हमारा केस हुआ। अब एक चीज, एक मिनट, हमने एफ W लिखना है यहाँ पे, हाँ, W इक्वल्स टू एफ इंटू एच हो गया। नाउ ये जो F है, ये जो F है, F को हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था एक इक्वेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है? एफ इक्वल्स टू एम ए, याद है? किन लोगों को याद है? याद करो, क्लास 9th में पढ़े थे ना सेकेंड इक्वेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी गिर रहा है ऊपर से नीचे फ्री फॉल में, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या है? Yes, उसमें एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी के द्वारा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। क्या मैंने बोला? जब बॉडी फ्री फॉल में गिर रहा है उस समय उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी के वजह से, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका सिंबल स्मॉल जी होता है। यानी ये जो इक्वेशन है एफ इक्वल्स टू एम ए, हमारा फ्री फॉल के केस में वो क्या बन जाएगा? F इक्वल्स टू एम जी। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, यानी F इक्वल्स टू एम जी। तो मैं इसमें F के जगह मैं क्या लिख देता हूं? एम जी, और H ऑलरेडी है तो एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच। तो W इक्वल्स टू एम जी एच, हमारा ये
इक्वेशन मिल गया, वर्क डन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द हाइट और द डिस्प्लेसमेंट दैट द बॉडी कवर्स. ये कब, ये किस फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ? ये जो वर्क डन हमने पढ़ा W इक्वल्स टू, ये वर्क डन किस फोर्स के द्वारा हुआ? वी आर स्टडिंग द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से, यानी जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से. लेकिन अभी 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 एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा, ठीक है? जितना ईजी लग रहा है उतना ईजी है नहीं, लेकिन अभी ईजी लगने लगेगा. पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ फिर मैं बताता हूँ. तो एक इक्वेशन तो क्लियर हो गया हमारा कि W इक्वल्स टू MGH. ये इक्वेशन कब हम लोग यूज करेंगे? जब हमारा बॉडी फ्री फॉल में नीचे गिर रहा है, फ्री फॉलिंग केस में, ठीक है? यानी जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों ही नीचे की तरफ है. लेकिन अभी इमेजिन करो, ये जमीन है, तुमने एक बॉल नीचे की तरफ एक बॉल था, तुमने उसको ऊपर फेंक दिया, द बॉल इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है? बॉल कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर की तरफ है. और सपोज वो h हाइट ऊपर गया, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये जो s है, हम लोग लिखते हैं ना f इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये तो बेसिक इक्वेशन है, f इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. तो ये s का वैल्यू क्या हो गया? s का वैल्यू h हो गया, क्योंकि h हाइट तक वो बॉल ऊपर गया, ठीक है? अब थीटा का वैल्यू क्या है इस केस में? थीटा का वैल्यू देखो, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को नीचे खींच रहा है. लेकिन बॉल मूव कहाँ कर रहा है? ऊपर के तरफ, यानी दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के तरफ है, फोर्स नीचे के तरफ है. तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री. तो थीटा का वैल्यू हमारा 180 डिग्री है. तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हमारा एफ के जगह मैंने एस ही लिखा, एस के जगह में एच लिख दिया, क्योंकि हाइट अब डिस्प्लेसमेंट अभी एच हो गया. और कॉस थीटा क्या बन जाएगा हमारा? कॉस 180 डिग्री. और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, यानी इनटू -1 करेंगे, यानी हमारा ये नेगेटिव वर्क डन का केस है. सही पकड़ा तुम लोगों ने, वेरी इंटेलिजेंट. ये -1 आ गया, तो ये नेगेटिव वर्क डन का केस है. और ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, तुम लोग याद करो, कि नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, यानी जब थीटा हमारा 180 डिग्री होता है. और बिल्कुल ये जो एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ वो वैसा ही एग्जांपल है नेगेटिव वर्क डन का. यानी ये -1, अब मैं आगे लिख सकता हूँ इसको माइनस को, और 1 को मैं हटा दूँ तो -F(H) हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? माइनस को वैसे ही रख देंगे, F को हम क्या लिखेंगे? Mg. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि F इक्वल्स टू Ma होता है, लेकिन A के जगह अब हम G लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. F इक्वल्स टू Mg. तो अब ये M, F के जगह Mg लिखे, और ये H है, H ऑलरेडी है. तो वर्क डन इक्वल्स टू -MgH. तो दो इक्वेशन हमने पढ़ा, एक पढ़ा W इक्वल्स टू MgH और एक पढ़ा W इक्वल्स टू -MgH. तो W इक्वल्स टू MgH कब यूज करेंगे? जब बॉडी नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से. और W इक्वल्स टू -MgH कब यूज करेंगे? जब बॉडी ऊपर की तरफ फेंका गया है. तब उस केस में अगर हमको वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो वो नेगेटिव वर्क डन होगा और उसमें -MgH यूज करेंगे. आई होप स्टोरी क्लियर है, आगे मूव करते हैं, ठीक है? अभी यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन तो पढ़ लिए हमने. क्या पढ़ा हमने? कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कॉस थीटा जो है इसके साथ, एफ एस कॉस थीटा होता है. कॉस थीटा को फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, क्योंकि कॉस थीटा एक नंबर ही है ना. कॉस थीटा एक नंबर होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, तो उससे हमारा यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, तो इसलिए 1 है तो मैं कॉस थीटा लिख नहीं रहा हूँ. तो हमारा इक्वेशन क्या है? W इक्वल्स टू F इंटू S. तो इस इक्वेशन से हम वर्क डन का यूनिट हम निकाल सकते हैं. तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. तो इसको मैंने 1 न्यूटन लिख दिया. डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर. तो हमने 1 मीटर लिख दिया. तो हमारा जो वर्क का यूनिट होता है उसे हम 1 जूल बोलते हैं. तो 1 जूल का मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हमें मिल गया. हमें इक्वेशन अगर याद रहेगा कि W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, तब हम 1 जूल, जो ऐसा यूनिट होता है वर्क का, जूल होता है, उसका डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं. तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 1 जूल ऑफ वर्क उसको बोलते हैं जब
एक न्यूटन का फोर्स लगा किसी बॉडी में और उस बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या बोला मैंने कि अगर एक न्यूटन का फोर्स लगता है किसी बॉडी में और फोर्स लगने के वजह से उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम बोलेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन। ठीक है, तो इसी चीज को हमने लिख दिया। क्या लिखा हुआ यहाँ देखो, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ये तो ऑलरेडी हमने अभी बोला कि एसआई यूनिट वर्क का जूल होता है, उसको कैपिटल जे से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा, अब क्या है, बेसिक इक्वेशन है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क का एसआई यूनिट 1 जूल, फोर्स का 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का 1 मीटर, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो डेफिनेशन को पढ़ो तुमको समझ में आ जाएगा। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. Own direction इसलिए हमने लिखा क्योंकि हमने assume किया कि force जिस direction में लग रहा है उसी direction में displacement हो रहा है, यानी हमारा theta का value 0 है, यानी cos theta का value 1 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। CGS unit of work क्या होता है? Urge, याद रखना है urge। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेटली अब जो मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई किया उसका एसआई यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो F इंटू S, ये तो हमने ऑलरेडी लिखा, लेकिन अब हम फोर्स का एसआई यूनिट नहीं लेंगे, सीजीएस यूनिट लेंगे, यानी डाइन लेंगे। तो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, उसे ही हम 1 अर्ज कहते हैं, यानी 1 अर्ज ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन when a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in its own direction. ठीक है, picture clear है? तो तुरंत revise कर लो मेरे साथ, बोलो SI unit of work क्या है? Joule. CGS unit of work क्या है? Urge. ठीक है, कुछ लोग अर्ग भी बोलते हैं, तो अर्ग बोलो, अर्ज बोलो, कुछ भी बोलो, spelling सही लिखना। अब है next जो हम पढ़ने वाले हैं वो है relationship between joule and urge. इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? देखो ये एग्जाम में आता है कभी कभी, ठीक है, कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। जूल क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क, और अर्ज क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। दोनों के बीच का रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए पूछता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तो इस डेरिवेशन को याद रखना, याद करने का नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का है। याद रखने का कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे तो नहीं फंसोगे, तो समझो बहुत सिंपल है। हम लोग करना क्या है, जूल और अर्ज के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। तो भैया 1 जूल का मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अभी हमने पढ़ा 1 जूल मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था 1 न्यूटन का मतलब 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, याद रखना ये चीज, क्लास 9 में पढ़े थे, 1 न्यूटन मतलब 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 न्यूटन का मतलब 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। ये तो सबको पता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, ये 1 न्यूटन जो है इसके जगह हमने 10 टू द पावर 5 डाइन पुट किया, 1 मीटर के जगह हमने 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, और इसी डाइन सेंटीमीटर को अर्ज बोलते हैं, यानी हमारा 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ज आ गया। ये रिलेशन है कि 1 जूल का मतलब 10 टू द पावर 7 अर्ज, ये डेरिवेशन करने आता है, बड़ा सिंपल डेरिवेशन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको कॉपी में उतार लो, ठीक है, कॉपी दिस डाउन इन योर कॉपी बाय पॉजिंग दिस वीडियो, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पावर। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। नाउ यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विथ द पावर ऑफ लेंस। कभी कभी लेंस जब हम पढ़ते हैं तो लेंस एक टॉपिक है जिसमें हम चश्मे का पावर होता है, लेंस का पावर होता है, वो पावर अलग चीज, अलग पावर होता है। यहाँ पे जो हम पावर की बात करने वाले हैं वो अलग पावर है। तो वो जो पावर है उसका यूनिट भी डिफरेंट होता है, जो लेंस का पावर होता है उसका यूनिट डायोप्टर होता है। तो ये चैप्टर जब हम लाइट के तरफ मूव करेंगे, हमारा जो सेकेंड, हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है, रादर जो फिफ्थ चैप्टर है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, उसमें हम पढ़ेंगे कि लेंस का अपना पावर होता है और उस पावर का यूनिट डायोप्टर होता है। तो फिलहाल उसमें हम लोग मूव नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो हम पावर को पढ़ने वाले हैं, दिस इज द पावर which is known as the rate of doing work, और इसका एसआई यूनिट वॉट होता है। क्या होता है? वॉट, W A T T, वॉट। तो
दोनों पावर में कंफ्यूज मत करना, ठीक है? नाउ द टॉपिक विच आर गोइंग टू डिस्कस इज पावर. पावर को डिफाइन कैसे किया गया है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. यानी किस रेट के साथ वर्क हो रहा है. यानी रेट मतलब ही डिनोमिनेटर में हमारा टाइम आ जाएगा. क्या बोला मैंने? रेट मतलब ही डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा? टाइम. यानी डिनोमिनेटर में टाइम है और ऊपर में क्या है? वर्क है. न्यूमरेटर में वर्क है. यानी वर्क बाय टाइम को ही पावर बोलते हैं. ये देखो ना, लिखा हुआ है बेसिक इक्वेशन. इस इक्वेशन को याद कर लो अभी अभी इसी वक्त. पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. पावर एक स्केलर क्वांटिटी है. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी होता है इसको एक्सप्रेस करने के लिए. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. P इक्वल्स टू W बाई टी. पावर का सिंबल P होता है, ये तो क्लियर है, दिख रहा है. वर्क डन का W और टाइम का T. अब हम यूनिट को पढ़ेंगे. P इक्वल्स टू W बाई टी, जो ये बेसिक इक्वेशन है, अब इसको याद कर लो, इस पर न्यूमेरिकल्स आते रहता है. P इक्वल्स टू W बाई टी. अब यूनिट क्या होगा पावर का? पावर का यूनिट मैंने बताया ना, ऐसा यूनिट 1 watt होता है. तो कैपिटल W से डिनोट करते हैं 1 watt, ठीक है? तो 1 watt हो गया. अब ये जो ये वॉट में ये W क्या, ये वर्क है, वर्क का सिंबल है. तो वर्क ऐसे यूनिट क्या होता है? 1 joule. तो और टाइम का ऐसा यूनिट 1 second. यानी 1 watt इज इक्वल टू 1 joule बाई 1 second. इसी इक्वेशन से तुम 1 watt जो ऐसा यूनिट है पावर, उसका डेफिनेशन निकाल सकते हो. कैसे? 1 watt पावर उसको कहेंगे जब 1 joule वर्क हुआ 1 second में. यानी when 1 joule of work is done in 1 second, we will say that 1 watt of power has been consumed. Next, मैं वही चीज़ मुझे पढ़ना है, ठीक है? ये सब मैं हाँ SI unit में power में आ जाता हूँ, फिर previous slides को मैं पढ़ाऊँगा. SI unit of power क्या है? Power का SI unit watt होता है, मैंने अभी भी बताया. और क्या definition मैंने बताया? 1 watt is equal to 1 joule by 1 second, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या है? इफ 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन 1 second, देन पावर स्पेंट इज सेट टू बी 1 watt. अगर 1 second में 1 joule अमाउंट ऑफ वर्क होता है, तब कहा जाएगा कि 1 watt पावर स्पेंट हुआ है. इसी जूल पर सेकेंड को हम वॉट बोलते हैं, नो डाउट. सीजीएस यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? तो जैसे ही 1 watt को हम लिखते थे 1 joule पर सेकेंड, 1 joule पर 1 second, लेकिन अभी जूल के जगह हमें सीजीएस यूनिट लिखना है. क्या है वो? अर्ज. तो क्या हो जाएगा? अर्ज ऊपर में, नीचे सेकेंड रहेगा. यानी अर्ज पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा सीजीएस यूनिट. अर्ज पर सेकेंड हमारा सीजीएस यूनिट है. और 1 watt और अर्ज पर सेकेंड में रिलेशन क्या है? 1 अर्ज इज इक्वल टू 10^7 अर्ज पर सेकेंड, ठीक है? इस चीज को याद रखना है, नो डाउट. इसको कॉपी कर लो. सिंपल है कि सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्ज पर सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. तो अभी एक समरी कर लेते हैं तुरंत. जो हमने पढ़ा, हमने 2 फिजिकल क्वांटिटी को अभी अभी पढ़ा. हमने एनर्जी पढ़ा, एनर्जी नहीं पढ़ा, वर्क पढ़ा. सॉरी, एनर्जी तो पढ़ेंगे अभी इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में. वर्क को पढ़ा हमने और हमने पावर को पढ़ा, ठीक है? वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल. सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ज, ठीक है? पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वॉट. और सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ज पर सेकेंड. क्लियर हो गया? अब ये सभी एसआई यूनिट्स का डेफिनेशन याद रखना, ये कभी कभी पूछ देता है. डिफाइन 1 joule, डिफाइन 1 watt, ठीक है? तो ये सब सिंपल है. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट. अभी अभी हमने पढ़ा कि पावर इक्वल्स टू, बेसिक इक्वेशन क्या है? पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी. यस. तो पावर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो इक्वेशन से ही दिख रहा है कि वर्क डन पे डिपेंड करता है और टाइम टेकन पे डिपेंड करता है. वर्क डन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और टाइम टेकन पर इनवर्सली डिपेंड करता है. तो वही चीज लिखा हुआ है, वही चीज हमें कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछ देता है कि नेम द 2 factors ऑन विच पावर डिपेंड्स. तो पावर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग 2 factors. क्या क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन, डब्ल्यू, एंड टाइम टेकन, यानी नीचे टी रहता है, उसी को पावर बोलते हैं. तो इस इक्वेशन से ही पता चल गया, ये कोई नया चीज तो है नहीं. अब इस चीज को देखो. मान लो कोई बॉडी है जिसपे कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है F. F कॉन्स्टेंट फोर्स बॉडी पे लग रहा है और F लगने के वजह से बॉडी आगे की तरफ मूव कर गया और जो इसमें डिस्प्लेसमेंट आया वो S डिस्प्लेसमेंट आया. बॉडी में S डिस्प्लेसमेंट आया जब उस पर F फोर्स लगा.
और ये सब चीज़ जो हुआ यहाँ से वहाँ जो मूव किया वो टी टाइम में हुआ, कितना टाइम लगा, टी टाइम में, ठीक है। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा बाय दिस फोर्स, वर्क डन विल बी एफ इंटू एस, कॉस थीटा का वैल्यू 1 है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए हमने कॉस थीटा को यहाँ लिखा नहीं है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस हो गया। अच्छा ये तो क्लियर है, अभी पावर हमने पढ़ा कि P इक्वल्स टू W बाई टी होता है, वर्क डन बाई टी, तो ये जो W है इस W के जगह हम F इंटू एस को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो गया, P इक्वल्स टू W के जगह हमने क्या लिख दिया, F इंटू एस बाई टी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो S बाई टी है यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये जो फैक्टर है S इंटू टी, इसको आप देखिए S बाई टी, नॉट S इंटू टी, सॉरी S बाई टी। तो ये जो S बाई टी हमारा इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, क्लास 9 में पढ़े थे, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो इसको S बाई टी को हम स्मॉल v यानी एवरेज स्पीड लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा हमारा, P इक्वल्स टू F इंटू V, इसको याद रखना, पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तुमको पावर निकालना है, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन जो अभी हमने डिराइव किया, ये रिलेशन है पावर, फोर्स और स्पीड, एवरेज स्पीड, इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। इसका भी यूज हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, तो इस फॉर्मूला को भी याद रखना। नाउ ए क्विक समराइजेशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट, रादर थ्री फॉर्मूलाज ओनली दैट वी हैव स्टडीड, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये रिविजन कर रहे हैं, नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। पावर P इक्वल्स टू W बाई टी, और अभी एक और इक्वेशन हमने पढ़ा, P इक्वल्स टू F इंटू वी, तो ये तीनों इक्वेशन रट लेंगे आप समझते हुए, रटना मीन समझते हुए रटना, ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, हॉर्स पावर, ठीक है, कुछ नहीं है, हॉर्स पावर पढ़ना इतना ही है हॉर्स पावर के बारे में, कि ये भी एक यूनिट होता है, किसका, पावर का यूनिट होता है। हॉर्स पावर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पावर, इट इज यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गाड़ी वाड़ी के केस में हॉर्स पावर का यूनिट यूज करते हैं हम जब पावर की बात करते हैं तो। और रिलेशनशिप क्या है हॉर्स पावर और वाट के बीच में, ये रिलेशनशिप है, इसको याद रखना, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट, ये याद रखना है, कभी कभी पूछता है, हालांकि रेयरली, बहुत रेयरली ही पूछा जाता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। अभी नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन वर्क एंड पावर, ठीक है, वर्क और पावर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वर्क इज, पहले डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच, दोनों का डेफिनेशन है वही एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखा गया है, ठीक है। तो क्या है पहला पॉइंट, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एफ इंटू एस, इसको हम वर्क डन बोलते हैं। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन है, और पावर का डेफिनेशन क्या है, पावर ऑफ अ सोर्स इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, नो डाउट, क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, एफ इंटू एस, इसमें टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, क्योंकि वर्क बाई टाइम होता है ना पावर, तो इसमें तो टाइम आ जाता है फैक्टर, तो पावर स्पेंड डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, तो कुछ भी नहीं है डिफरेंसेस। अगर तीन डिफरेंस लिखने को आ गया एग्जाम में या दो डिफरेंस आ गया तो ये तो एकदम बहुत ही इजी है, इजंट इट। तो ये तीनों डिफरेंसेस अभी याद कर लो वीडियो देखने के दौरान, और पॉज करके कॉपी में लिख लो, बिना देखते हुए लिखो, फिर चेक कर लो, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी, बहुत ईजी टॉपिक है, अगर वर्क डन समझ में आ गया तो एनर्जी भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही चीज़ है, ठीक है। एनर्जी क्या है, अगर कोई वर्क डन कर रहे हैं, कोई बॉडी में वर्क डन हो रहा है, तो एनर्जी हमें स्पेंड करना होता है, यानी जितना एनर्जी हम स्पेंड करेंगे उतना ही वर्क डन होगा। तो देखा जाए तो एनर्जी और वर्क डन में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ओनली एक
क्या बोलते हैं, एक थियोरेटिकल डिफरेंस है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिक मैथमेटिकल डिफरेंस नहीं रहता है। एनर्जी और वर्क मैथमेटिकली सेम होता है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम स्पेंड करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क मुझे मिलेगा। तो दोनों का SI यूनिट भी सेम होता है, एनर्जी का SI यूनिट भी जूल होता है, वर्क डन का भी SI यूनिट जूल होता है, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या है एनर्जी का, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने का जो क्षमता कैपेसिटी होता है उसे ही हम एनर्जी बोलते हैं। तो आप देखिए डेफिनेशन, ये कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन तो है नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली तो दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसलिए ये एक थियोरेटिकल डेफिनेशन है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, लाइक वर्क एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी याद कीजिए वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, ये चीज दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, कि वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज होता है मैथमेटिकली, और थियोरेटिकली दोनों में हल्का डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो यूनिट्स दोनों में कोई यूनिट्स में डिफरेंस नहीं होता है, वर्क का जो यूनिट होता है एनर्जी का भी वही यूनिट होता है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम चीज है मैथमेटिकली, दोनों बोथ आर इक्वल। नाउ यूनिट्स ऑफ एनर्जी देखो क्या लिखा हुआ है, द यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर सेम एज आर वर्क, तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, CJS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ज, जैसे वर्क के केस में था जूल और अर्ज उसी तरह से, और उस केस में 1 joule इक्वल्स टू 10^7 अर्ज था, यहाँ पे भी वही चीज है। अब बिगर यूनिट क्या है एनर्जी का, वॉट आवर किलो वॉट आवर, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, इसको थोड़ा सा याद करना है, कभी कभी क्वेश्चन इस पार्ट से पूछ देता है, पूछा भी गया है कि वॉट आवर, क्या मैंने बोला वॉट आवर किसका यूनिट होता है, वॉट आवर किसका यूनिट होता है, अभी अभी पढ़े वॉट आवर यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन ये वॉट आवर है क्या, या किलो वॉट आवर किसका यूनिट होता है, किलो वॉट आवर भी एनर्जी का यूनिट होता है। तो समझने से पहले इसको अभी रट लो कि वॉट आवर एनर्जी का यूनिट होता है, किलो वॉट आवर भी एनर्जी का यूनिट होता है, अब समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, समझो। देखो जब तुम, अच्छा ये इक्वेशन को सबसे पहले देखो, पावर इक्वल्स टू, पावर का इक्वेशन क्या है बताओ, सोचो P इक्वल्स टू W बाई T, ठीक है, ये इक्वेशन अभी अभी हमने पढ़ा, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं W इक्वल्स टू P इंटू T, बिल्कुल लिख सकते हैं, टाइम को इधर शिफ्ट कर दिया तो W इक्वल्स टू P इंटू T हो गया। तो पावर और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, वर्क। तो यहां पे भी देखो वॉट और आवर को मल्टीप्लाई किया गया तभी वॉट आवर हुआ, वॉट क्या चीज का यूनिट होता है, पावर का, आवर किसका यूनिट होता है, टाइम का, यानी पावर और टाइम को मल्टीप्लाई किया गया है। वॉट आवर मींस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, पावर एंड टाइम, तो पावर एंड टाइम को मल्टीप्लाई करने से तो वर्क का यूनिट आता है, और या फिर एनर्जी का यूनिट आता है, तो वर्क का यूनिट या एनर्जी का यूनिट तो सेम होता है, यानी ये एनर्जी का यूनिट है या वर्क का भी यूनिट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क का भी यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क जब पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिकल वर्क को हम किलोवाट आवर या वॉट आवर या फिर वॉट आवर में मेजर करते हैं, तो किलोवाट आवर या वॉट आवर एनर्जी का यूनिट होता है या फिर वर्क डन का यूनिट होता है, नो डाउट। सेकेंड जो है किलोवाट आवर, किलोवाट भी किसका यूनिट है, पावर का, और आवर किसका यूनिट है, टाइम का, यानी पावर और टाइम का यूनिट को मल्टीप्लाई किया गया, तो पावर और टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई करके क्या आता है, वर्क डन, यानी वर्क का यूनिट है या फिर एनर्जी का यूनिट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ वर्क और एनर्जी सेम चीज़ है मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, और बच्चा कन्फ्यूज कर जाता है किलोवाट आवर किसका यूनिट है, इसमें तो आवर लिखा हुआ है, क्या ये टाइम का यूनिट है, इसमें तो किलोवाट लिखा हुआ है, क्या ये पावर का यूनिट है, क्योंकि सर ने बताया कि वाट तो पावर का यूनिट होता है। अरे भैया इसमें पावर का यूनिट और टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए ये एनर्जी का यूनिट है या वर्क डन का यूनिट है, आप कन्फ्यूज मत करना, ठीक है। तो वॉट आवर जो अभी अभी हमने डिस्कस किया उसको, उसका डेफिनेशन यहाँ पे है, पढ़ लेते हैं। वन वॉट आवर डेफिनेशन, देखो पहले मैथमेटिकल पार्ट समझ जाओ तो डेफिनेशन अपने से लिख सकते हो। पहले इस पार्ट को देखो जो मैंने बॉक्स के अंदर अभी लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे वन वॉट आवर। वन वॉट आवर मतलब वन वॉट इंटू वन आवर, ठीक है, हमने इसको अलग अलग किया। वन वॉट आवर को हमने वन वॉट इंटू वन आवर लिखा। अब वन वॉट का मतलब क्या होता है, वन वॉट का मतलब वन जूल बाई वन सेकेंड होता है, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। V equals to W by T, यानी वन वॉट इक्वल्स टू वन जूल बाई वन सेकेंड, तो वन वॉट को लिख सकते हैं वन जूल पर सेकेंड, और वन आवर को सेकेंड में कन्वर्ट किया गया तो कितना 3600 सेकेंड्स आ गया, तो हमारा
3600 into 1 will be 3600 और ये जूल पर सेकेंड और सेकेंड तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल तो हमारा जूल आ गया यानी हमारा 1 वाट आवर इक्वल्स टू 3600 जूल्स। ये हमारा रिलेशनशिप मिल गया क्या चीज के बीच में वाट आवर और जूल के बीच में यानी SI यूनिट ऑफ वर्क और वाट आवर दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें पता चल गया। कुछ भी है बहुत सिंपल है एक बार ध्यान से देख लो कुछ नहीं है इसमें। अब डेफिनेशन ऑफ वाट आवर के तरफ जाते हैं तो 1 वाट आवर मीन्स 1 वाट into 1 आवर यानी 1 घंटा 1 आवर मीन्स वाट 1 आवर 1 घंटा 1 घंटा में अगर 1 वाट का पावर कंज्यूम होता है तो हम बोलेंगे कि 1 वाट आवर एनर्जी स्पेंड हुआ है या 1 वाट आवर वर्क डन हुआ है। नो डाउट फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर 1 आवर में 1 वाट का पावर कंज्यूम हुआ है तब हम बोलेंगे कि 1 वाट आवर एनर्जी स्पेंट हुआ है या फिर वर्क डन 1 वाट आवर का वर्क डन हुआ है। तो दैट इज व्हाट इज रिटन डेफिनेशन को पढ़ो अब समझ में आ जाएगा। 1 वाट आवर इज द एनर्जी स्पेंट बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 वाट इन 1 आवर। किलोवाट आवर भी क्या है 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी स्पेंट बाय अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। अगर एक घंटे में 1 किलोवाट का पावर कंज्यूम होता है तब हम बोलेंगे कि 1 किलोवाट आवर का एनर्जी स्पेंट हुआ है। कोई डाउट है आई थिंक क्लियर है। नाउ लुक एट दिस थिंग जस्ट अ सेकेंड हियर यू सी जस्ट अ मिनट नीचे के तरफ में ले आता हूं इसको। ओके नाउ दिस पोर्शन यू विच इज इन बॉक्स नाउ यू सी अभी मैंने जो बॉक्स बनाया 1 किलोवाट आवर को अब हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट into 1 आवर नो डाउट। 1 किलोवाट को कन्वर्ट किया गया किलो का मतलब 1000 होता है यानी 1000 वाट है ये तो 1000 वाट को मतलब 1000 जूल पर सेकेंड और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो 3.6 × 10⁶ आया ठीक है और जूल पर सेकेंड और ये सेकेंड तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल बच क्या गया जूल तो 3.6 × 10⁶ जूल्स तो वाट किलोवाट आवर को हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा 10⁶ को मेगा लिख सकते हैं तो हमने क्या लिखा 3.6 मेगा जूल्स 10.6 का मतलब मेगा होता है ठीक है ये चीज याद रखना है तुम लोगों को। तो आई होप दिस इज क्लियर ये रिलेशनशिप रटने का नहीं है आप इसको समझ अगर लीजिएगा तो ये अपने से भी डिराइव किया जा सकता है। फिलहाल अगर रट लेंगे तो ये सबसे अच्छा है क्योंकि एग्जाम में टाइम सेव होगा ठीक है। फॉर सेविंग ऑफ टाइम यू शुड मेमोराइज दीज वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप्स। हालांकि समझ में अगर आ गया तो कभी कभी बिना रटे हुए भी एग्जाम में अगर आ गया तो हम अपना जो कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरी ठीक है। कैलोरी किसका यूनिट है कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है या वर्क डन का यूनिट है ठीक है। कैलोरी भी एनर्जी या वर्क डन का यूनिट है कोई भी यूनिट जो एनर्जी का यूनिट होता है वो वर्क डन का यूनिट भी होगा ना। 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारे पास 1 ग्राम पानी है 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर मान लो वो 14.5 डिग्री सेल्सियस था उसको उसका टेम्परेचर तुमको 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है 15.5 डिग्री सेल्सियस बनाना है यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। 14.5 से कितना करना है 15.5 डिग्री सेल्सियस तो कैसे करोगे कुछ अमाउंट ऑफ हीट दोगे डेफिनेटली तो जितना हीट तुम सप्लाई करोगे जिसके वजह से 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बन जाता है उतना अमाउंट ऑफ हीट को हम 1 कैलोरी हीट बोलते हैं। यही है डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी हीट। क्लियर है कि 1 ग्राम मैं रिपीट कर देता हूं सुनो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर को अगर हमें 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बनाना है यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तब हम उस हीट को जितना हीट से हम ये करेंगे उतना हीट को हम 1 कैलोरी ऑफ हीट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक रिलेशन लिखा हुआ है
कि 1 जूल ये रिलेशन आया था इस बार 2019 में आया था, 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये इससे क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था इसको हम होमवर्क में मैंने दिया है, उसको उस समय डिस्कस कर लेंगे अभी, तो लास्ट तक वीडियो देख रहा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर आईसीएसई क्वेश्चन 2019 में जो इस टॉपिक से रिलेटेड आया था। तो इस रिलेशनशिप को याद कर लो, 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, यानी हमने क्या पढ़ा कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी जो जूल है और कैलोरी ये भी एनर्जी का यूनिट है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या रिलेशन है, 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी। इस रिलेशन को याद कर लो, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है और 2019 में आया भी था। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। तो कितना सारा यूनिट हमने पढ़ा एनर्जी का, एक हमने पढ़ा जूल, एक हमने पढ़ा वॉट आवर, एक हमने पढ़ा किलो वॉट आवर, एक हमने पढ़ा कैलोरी, और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको ई वी से डिनोट करते हैं, जिसमें ई हमारा छोटा रहता है, वी हमारा कैपिटल रहता है। तो इतना सारा यूनिट्स हमने एनर्जी का पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। देखो ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे तब तुमको क्लियर होगा, पूरा क्लियर होगा पिक्चर। अभी 80% to 70% ही क्लियर होगा 1 वोल्ट का डेफिनेशन का मतलब, लेकिन समझने का कोशिश करो, हो सकता है कि थोड़ा अच्छे से समझ में आ भी जाए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड, उस एनर्जी को हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एक इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन किया कब, जब हमने उसको एक्सेलरेट किया 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया, 1 वोल्ट दो टर्मिनल्स है, दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों टर्मिनल्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का। अब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट करते हुए इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी वो गेन करेगा उस एनर्जी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसका जो रिलेशनशिप है जूल के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये चीज भी याद कर लो, इसको रट लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। क्या पता नेक्स्ट टाइम इससे क्वेश्चन पूछ दे तुम लोगों को एग्जाम में आईसीएसई में, लास्ट टाइम कैलोरी से पूछ दिया था, इस बार हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पूछ दे कुछ। इसलिए रिलेशनशिप याद कर लो, डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। और ये किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, हमने क्या वर्क डन और पावर के बीच में डिफरेंसेस पढ़ लिया है, वर्क डन और पावर के बीच में बहुत सिमिलर है एनर्जी और पावर का डिफरेंसेस भी। पहला पॉइंट है डेफिनेशन, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, पावर इज द रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड या रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, जैसे वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, एनर्जी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। आई थिंक बहुत ही इजी है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये तीनों पॉइंट समझ में नहीं आया हो। अब आज का होमवर्क आपके सामने हाजिर है, देखिए होमवर्क क्या है, जो होमवर्क यहाँ पे है यही होमवर्क जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2019 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, 2019 के क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको मैंने डाल दिया है, तुम लोग कर सकते हो। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, बताओ कैलोरी किसका यूनिट होता है, अभी हमने पढ़ा, यस यू आर राइट, एनर्जी का यूनिट होता है एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज इट रिलेटेड टू एसआई यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच यू आंसर्ड इन पार्ट ए। पार्ट ए यानी फर्स्ट पार्ट में जो तुमने आंसर किया उसका एसआई यूनिट के साथ कैलोरी का क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या आंसर किया, एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल, यानी जूल के साथ कैलोरी का रिलेशनशिप पूछ रहा है, जूल के साथ कैलोरी का रिलेशनशिप पूछ रहा है। देखो इनडायरेक्ट वे में पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड कैलोरी, क्या पूछा है, हाउ इट इज रिलेटेड टू द एसआई यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आंसर्ड बाय यू इन पार्ट 1, पार्ट ए। तो पार्ट ए में जो तुमने आंसर दिया, जिस फिजिकल क्वांटिटी का नाम तुमने लिखा, उस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट के साथ कैलोरी का क्या रिलेशनशिप है,
तो अभी अभी हमने पढ़ा कि 1 joule इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, ये रिलेशनशिप तुमको लिखना है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये भी अभी अभी इसी वीडियो में हमने पढ़ा, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल। CGS यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, अर्ज। यानी जूल और अर्ज के बीच का रिलेशनशिप को डिराइव करना है, स्टेट नहीं करना है, यानी पूरा स्टेप वाइज तुमको लिखना है, डेरिवेशन करना है, यानी लास्ट स्टेप बस लिख के मत छोड़ देना। डेरिवेशन कहाँ है, ये जो हमने अभी पढ़ा, एक मिनट, यस दिस वन, दिस इज द रिलेशनशिप, द एंटायर थिंग यू हैव टू राइट, ओके। नाउ प्लीज क्लिक अ फोटो ऑफ दिस होमवर्क, पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्नैपशॉट, और यू कैन कॉपी इट डाउन इन योर कॉपी। द होमवर्क शुड बी सेंड इन दिस ईमेल ID sunando.debnath@yahoo.com विथ क्लियरली मैंशनिंग योर नेम। ये चीज मैं बता देता हूँ फिर से, नेम, स्कूल्स नेम एंड योर प्लेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।